सो मिस्टर यूनुस ने एक ऐसा बैंक फॉर्म किया जो अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को ढूंढे बिना कोई इंटरेस्ट या सिक्योरिटी, एंड उस बैंक का नाम रखा ग्रामीण बैंक। एंड ये ग्रामीण बैंक वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो यार पहले वो देख लो, फिर आके इस वीडियो को कंटिन्यू करो ताकि आपको पूरी स्टोरी पता चले। एंड हमेशा की तरह आपको लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो समझा ना। ग्रामीण बैंक का ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बैंक के 90% ऑफ द शेयर है ना खुद बोरोवर्स ओन करते हैं, एंड जो बचा हुआ 10% है ना वो गवर्नमेंट ओन करते। तो मिस्टर मोहम्मद यूनुस ने इसे ऐसा बनाया कि जो बैंक के शेयर है ना वो सिर्फ बोरोवर्स ही खरीद सकते, एंड एक बोरोवर ना एक ही शेयर खरीद सकता है। एक शेयर ऑन एन एवरेज ना $3 का है। सो अपने लोन से पैसे बचा के वो बोरोवर्स एक शेयर खरीद सकते हैं, एंड जब बैंक प्रॉफिट कमाएगा तो वो प्रॉफिट है ना डिविडेंड बनके फिर से बोरोवर्स के पास ही आएगा, ताकि इससे सिर्फ बोरोवर्स और गरीब लोग का ही फायदा हो, किसी बाहर आउटसाइडर का नहीं। एंड एक कॉन्सेप्ट इसलिए इतना अच्छा है ना बिकॉज इससे ना सिर्फ जो बोरोवर्स और जो नीडी पीपल है ना उनका फायदा होगा, जो वेल्दी पीपल है ना वो इसमें एंटर नहीं कर सकते। ये बैंक यार लोगों को एंकरेज भी करता है यार वो 5% सेव करने, ताकि वो आगे जाके उनके शेयर्स खरीद सके, एंड यार बैंक को रन करने के लिए इंटरेस्ट भी पे कर सके। यू विल बी शॉक्ड दैट ग्रामीण बैंक ने $6,80,000 का प्रॉफिट कमाया, एंड यही प्रॉफिट यार उन बोरोवर्स को वापस मिलेगी एज ए डिविडेंड। अब सोचो यार एक बांग्लादेश की एक छोटी सी इंस्पिरेशन आज 100+ कंट्रीज में अवेलेबल है। एंड फन फैक्ट की बात यह है कि ये बैंक पूरा ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलता है, वरना कुछ लोग तो यार भरोसे के नाम पे लूट ही लेते। नहीं इसकी बात नहीं कर रही मैं, अपना माल्या की बात। ग्रामीण बैंक ने अकेले सिर्फ बांग्लादेश में 54% लोगों को पावर्टी लाइन से बाहर आने में हेल्प की। एंड ग्रामीण बैंक ना सिर्फ लोगों को पावर्टी लाइन से बाहर आने तक रुका नहीं, ग्रामीण बैंक स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी देता है, एंड हायर एजुकेशन के लिए ना एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करता है। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। बट जोक्स अपार्ट, आज भी अगर आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं हो तो बैंक्स आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड जो स्कॉलरशिप्स होती है ना मैक्सिमम ऑफ द टाइम है ना कास्ट बेस्ड होती, मतलब अगर आप उस रिलीजन या उस कास्ट के नहीं हो तो आपको हायर एजुकेशन करने का हक नहीं। आई नो ये बहुत हार्श है बट दिस इज द ट्रुथ, एंड जो कि बहुत ही शर्म की बात। इमेजिन करो अपना ड्रीम अपना टैलेंट सब सैक्रिफाइस कर देना जस्ट बिकॉज आपके पास उसे परस्यू करने के पैसे नहीं। इकोनॉमी छोड़ो, ह्यूमैनिटी के लिए कितनी बुरी बात है। ऑन दी अदर हैंड ग्रामीण बैंक बिना कास्ट बिना रिलीजन देखे पुअर एंड नीडी फैमिलीज को एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर, बट इसमें मिडिल क्लास वाले फंस जाते। ग्रामीण बैंक यार गरीब लोगों को यार होम लोन्स भी प्रोवाइड कर, वो चाहते हैं यार लोगों को एक जगह मिले एक कॉलोनी बना ले। एंड आप ये सुन के यार काफी ज्यादा भौचक्का रह जाओगे, हक्का पक्का रह जाओगे, झुंझला जाओगे, बौखला जाओगे, शॉक हो जाएंगे कि वो होम लोन्स भी यार उन्हीं को देते हैं जिनकी जमीन के ओनर एक लेडी हो, ताकि वही घर में यार एक लेडी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो या स्टैंडर्ड मिल सके। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल बिल्डिंग एन वुमेन एम्पायर। ग्रामीण बैंक यहाँ तक यार मेडिकल फैसिलिटीज भी देते हैं विद प्रीमियम ऑफ $1.2 ओनली, जिसमें से यार 40% तो यार इंश्योरेंस कवर हो जाए, बाकी का 60% यार गवर्नमेंट देख ले। एक सेकंड, क्या इसी वजह से अपने पीएम फंड में अभी तक पैसे नहीं निकले? और मैं सोच रहा था यार ये स्कैम है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप देखना बंद करना पड़ेगा। मिस्टर यूनुस ने ना फाइनेंशियल इश्यू सॉल्व करने के अलावा सोशल बिजनेसेस भी शुरू। सोशल बिजनेसेस आर लाइक नॉर्मल बिजनेसेस जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बट आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, एंड आपको उसमें लॉस भी नहीं होगा। जो प्रॉफिट है वो फिर से ना जो पुअर नीडी फैमिलीज को जाएगा, बट आप जब चाहो तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट ना उस बिजनेस से निकाल सकते। इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर ना उन्होंने एक योगर्ट बनाया जो माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज उनमें मेनली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है, तो ये योगर्ट ना उन्हें वो सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर देगा। ऑल्सो उन्होंने एडिडास के साथ मिलकर ना €1 के अंदर शूज बनाया, एंड वो टाइम की बहुत बड़ी न्यूज थी, आप गूगल पे चेक कर सकते, बिकॉज वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस हम ग्राउंड से अट्रैक्ट करते हैं एंड शूज ना उसे होने से प्रिवेंट करेगा। यार एक इंसान ने अपने लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया वो भी दूसरों के लिए, यार मतलब कोई स्वर्ग जाए ना जाए मिस्टर यूनुस तो पक्का जा रहे हैं। सो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो यार, अगर आप भी चाहते हैं कि मोदी जी आपको बिना सिक्योरिटी के लोन दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रामीण बैंक के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आपको डोनेट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली ग्रामीण बैंक को डोनेट कर सकते। एंड हम आपसे अगली वाली वीडियो में मिलेंगे, तो कीप सपोर्टिंग कीप बिल्डिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।